अस्सलाम वालेकुम, मैं आपके साथ मौजूद हूँ मिर्ची कुजीन में और आज हम बना रहे हैं चिकन हरियाली हांडी। तो इसके लिए हमें दो चीज़ें चाहिए। चिकन है हमारे पास मौजूद आधा किलो से थोड़ी सी ज़्यादा, और इसके साथ हमें तेल की ज़रूरत है, आधा कप है, इससे कम भी डल सकता है। प्याज है दो अदद लिए, बड़ी हमने और चॉप कर ली है, और दही है इसके साथ एक कप। कुटी मिर्च हमें चाहिए होगी, धनिया चाहिए होगा पिसा हुआ साबुत धनिया, पिसी हुई ज़ीरा है, नमक है हज़म जायका जितना जरूर जैसे डालना चाहें आप लोग, और इसके साथ है साबुत मिर्चें चार अदद ली हैं सिर्फ फ्लेवर के लिए, और काली मिर्च है हमारे पास पिसी हुई आधा चम्मच से थोड़ी सी ज़्यादा, लहसुन अदरक का पेस्ट है, और इसके अलावा जो हमें चाहिए हरा धनिया है, हरी मिर्च है और पुदीना। इन तीन का हमें एक पेस्ट बनाना है ग्राइंडर में, और उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम डालेंगे तेल, तेल के गर्म होने के बाद हम डाल देंगे इसमें प्याज, बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है इसको, नरम हो जाए, नरम होने का थोड़ा सा वेट करेंगे, प्याज नरम हो गई। अब हम इसमें जो हमने ये चिकन ली हुई थी पूरी चिकन डाल देंगे, के साथ इसमें जाएगा लहसुन अदरक। अब इसको गोल्डन ब्राउन जैसा कर लें, बस ये हमारा गोल्डन जैसी हो गई है। अब इसमें हम मसाले डालेंगे, पहले थोड़ा सा आधा दही डाल देंगे, आधा रोकेंगे तो। इसके बाद जो हमने मसाले पूरे तैयार करेंगे तो ये तमाम मसाले इसमें चले जाएंगे, और अब इसको थोड़ा सा भूनना है, ये भुनेगा दही अपना पानी छोड़ेगा। बहुत अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो गई है। अब ये देखें तेल आना शुरू हो गया। अब हम इसके अंदर डालेंगे ये जो हमने तैयार करके रखा था पेस्ट, हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्च का, इसको अब अच्छे से बिल्कुल भूनना है। अभी इसका पानी है, इसी के पानी के अंदर मुरही गल जाएगी थोड़ी सी देर में। इसी के साथ साथ ही ये जो दही हमने बचाया था पूरा एक कप जाएगा, तो आधा बचाया था आधा ये भी डाल दें। अदरक ताकि इसका फ्लेवर और खुशबू बहुत ही बेहतरीन हो जाए। इसको हम ढक देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए, इसमें मुरही भी गल जाएगी और ये तेल जब छोड़ने लगेगा तो हम उस वक्त फिर इसकी भुनाई करेंगे और फिर तैयार हो जाएंगे। तो 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम देखते हैं, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है, ये ऑलमोस्ट रेडी है। अब हम इसके अंदर हमने क्रीम ली है ज़रा सी, इससे भी फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। हरी मिर्च और हरा धनिया थोड़ा सा डाल लें, थोड़ा सा गार्निशिंग में डालेगा। ये रेडी है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अगर आप लोगों को भी पसंद आए तो आप ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ज़रूर मज़े से बनाएं और इन्जॉय करें। अल्लाह